अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। लेक्चर नंबर 14, क्लास 6 एंड आवर टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 6B, सीरियल नंबर बुक पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 3 एंड 6। ओके, हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करनी है 2, 3 एंड 6 की। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। ओके, हमने ये स्टडी किया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? 2 × x एंड 3 × 6। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 2 × x, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन 3 × 6। हमने इनका प्रोडक्ट नहीं लेना, 2 × x, 3 × 6। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 2x, 3 × 6, 18। ओके, अब 2x के साथ मल्टीप्लाई और राइट साइड पे जाकर 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड। 18 को 2 पे डिवाइड किया, क्या आया? 9। ओके, द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 9। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। अब ये देखिए, हमने मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसके फाइंड आउट करने जो इसके मिड में है, ये क्या है? एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हमने इसकी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करनी है। ओके, लेट द मीन प्रोपोर्शनल एक्स। ओके, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या है? एक्स। ओके, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल हमें गिवन है, वो क्या है? 4 / 9। ओके, तो मीन प्रोपोर्शनल हमने लेट की थी, वो क्या है? एक्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ओके, हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ने कि 4 × 9 एंड x × x। ओके, x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? x के, एंड 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 36। ओके, x स्केयर इक्वल टू 36। ओके, अब हमने स्केयर को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अगर हम 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6 = 36, तो 6 का हम 36 की जगह 6 का स्केयर ले लेते हैं, क्योंकि 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 36। ओके, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर लिया, तो ये स्केयर स्केयर से कट गया, तो ये वाला स्केयर स्केयर से कट गया। ओके, तो एक्स इक्वल 6, तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 7/13 इक्वल है 14/p, फाइंड p, और हमने ये p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, 7/13 इक्वल 14/p बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को हम यूज़ करेंगे, तो ये 7p से मल्टीप्लाई होगा एंड 14 30 से। ओके, 7 को p से मल्टीप्लाई किया 7p एंड 13 को 14 से किया 182। ओके, 7 इधर मल्टीप्लाई और आई साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, 7 × 2 = 14, तो 80 में से 14 माइनस किया, 4 इधर चला गया, 42। 7 × 6 = 42। ओके, पी की क्या वैल्यू आई है? 26, और हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ शाहिदा कैन आयरन 5 handkerchiefs इन 7 minutes, कहने अगर शाहिदा 5 handkerchiefs 7 minutes में आयरन कर रही है, handkerchiefs रुमाल। ओके, हाउ लॉन्ग शी टेक टू आयरन 35 handkerchiefs, कह रहे वो 35 handkerchiefs कितने मिनट्स में आयरन करेगी? ओके, रेशियो ऑफ handkerchiefs एंड मिनट्स, वो क्या है? 5:7। ओके, लेट द टाइम टू आयरन 35 handkerchiefs, अब हमने 35 handkerchiefs को आयरन करने का टाइम फाइंड करना है, उसे हमने क्या लेट किया? एक्स। ओके, रेशियो ऑफ handkerchiefs एंड टाइम एक्स, 35:x। ओके, 5:7 प्रोपोर्शन 35:x। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, तो हम क्या करेंगे? 5 का प्रोडक्ट लेंगे एक्स से एक्सट्रीम, एंड मीन प्रोडक्ट 7 × 35। ओके, 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करना एंड 7 को 35 से, 5x, 7 को 35 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 245। ओके, 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, 5 × 4 = 20 एंड 4 इधर चला गया, 45। 5 × 9 = 45। ओके, एक्स इक्वल है 49। ओके, तो कितने मिनट्स लगेंगे 35 handkerchiefs को आयरन करने में? 49 मिनट्स। ओके, डायरी के सॉल्व एक्सरसाइज 6B, क्वेश्चन नंबर 7-10, प्लस लर्न टेबल ऑफ 17, ऑरल प्लस टचिंग।